गाइस तो कैसे हो आप सब गाइस, बहुत ही एक्साइटिंग मूवमेंट है ये, बिकॉज अपने पास आ चुका है गाइस Redmi K20 Pro। इस डिवाइस के लिए बहुत ज्यादा एक्साइट था मैं जब से इसकी हाइप निकालनी शुरू करी। Xiaomi ने थोड़ा सा प्राइस का पंगा हुआ, लेकिन एट द एंड हमने ये परचेज कर लिया, ब्लैक कलर 6GB रैम 128GB वेरिएंट। इस वीडियो में इसी की अनबॉक्सिंग करूंगा एक स्पेशल अंदाज में और दिखाऊंगा आपको कि भैया क्या क्या इस डिवाइस में इंटरेस्टिंग है। बेसिकली ये है इंडियन रिटेल यूनिट की अनबॉक्सिंग, मैंने me.com से मंगाया है। सो ये पेड रिव्यू नहीं होगा, पेड वीडियो नहीं होगा, तो वीडियो का एंड तक जरूर देखना, आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेगा। तो आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जुलाई मंथ का स्टार्ट हुआ था तभी से दोस्तों यहाँ पर Xiaomi ने लीक देने शुरू कर दिए थे K20 Pro आएगा, ऐसा होगा वैसा होगा। 5 तारीख तक इसकी डिटेल लीक होके आ गई और यहाँ पर डेट फिक्स होके आ गई कि भाई 18 तारीख को लॉन्च होगा। तब से सस्पेंस जो था वो बना हुआ था कि यार कब ये डिवाइस हाथ में फील करने का मिलेगा, और फाइनली दोस्तों 18 तारीख को ये लॉन्च हुआ और अल्फा कस्टमर्स के लिए उसी दिन सेल थी। यहाँ पर दोस्तों ICICI कार्ड पे 2000 डिस्काउंट था, तो मैंने ये डिवाइस को कार्ड के डिस्काउंट पे परचेस किया। बहुत कुछ ट्रेजेडीज हुई है मेरे साथ इस डिवाइस को ऑर्डर करने से पहले, आपको वीडियो के एंड में हो सकेगा तो इंक्लूड करूंगा। बट फिलहाल दोस्तों इस ब्यूटीफुल डब्बे की ब्यूटीफुल पीस को कर लेते हैं अनबॉक्स। तो ले चलता हूं मैं आपको अनबॉक्सिंग वीडियो में और दिखाता हूं क्या क्या इंटरेस्टिंग इस फोन में आपको देखने को मिल जाता है। यह पैकेट, इसको सिंपली कैंची से मैं कट कर लेता हूं। सो गाइस ये है बॉक्स, और बॉक्स पे ज्यादा कुछ है नहीं, सामने आप देख सकते हो नंबर वन लिखा हुआ है क्योंकि नंबर वन ब्रांड है Xiaomi स्मार्टफोन के मामले में। 6GB 128GB रैम और रोम वेरिएंट यहाँ पर आपको दिया गया है। नीचे आप देख सकते हो फ्लैगशिप क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855 दिया हुआ है। बैक पे आपको कुछ क्विक स्पेक्स मिल जाती है, स्नैपड्रैगन 855, 48 मेगापिक्सल AI रियर कैमरा, 20 मेगापिक्सल पॉपअप सेल्फी कैमरा, एमोलेड डिस्प्ले विद कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 और कुछ इसी तरीके की स्पेक्स नीचे। कार्बन ब्लैक 6GB 128GB ऊपर आप देख सकते हो दोस्तों, इसकी जो प्राइसिंग है वो करीब 28,999 लिखी है, तो 1000 कम इसमें प्राइस एक्चुअल है इसकी। बाकी ये थी बॉक्स प्राइस। अभी बॉक्स को करते हैं अनबॉक्स और देखते हैं क्या अंदर डिवाइस हमें मिलता है। तो ये एक कट यहाँ पे, सील जरूरी है, सील देख लिया करो आप भी जब लो बॉक्स को। तो एक्चुअल में मैं आपको बताऊं तो ये बॉक्स मेरे बाकी ये बॉक्स से, नोट 7 प्रो के बॉक्स से और बाकी सब बॉक्स से चौड़ा है, बिकॉज ये डिवाइस जो है वो थोड़ा सा मेरे हिसाब से चौड़ा होना चाहिए। तो बड़े इजीली निकल गया क्योंकि इसका साइज बड़ा कर दिया है, तो अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाता है उसके लिए। बूम, तो गाइज ये देख सकते हो आप, क्या बात है भाई साहब, देखने में दूर से ना एकदम मतलब जहर वाला एक्सपीरियंस लग रहा है। बट इसको हम रखते हैं साइड में और देखते हैं पहले इस लीफलेट के अंदर क्या क्या है। तो ऊपर से एज यूजुअल हमने काफी सारी अनबॉक्सिंग देखी है, तो ये जो केस है ये आपको इसके साथ मिल जाता है। इस बार केस इन्होंने काफी अच्छा इंक्लूड किया है और जो इसका फिनिश है ना वो आप देख सकते हो कितना किलर लगता है यार, क्या बात है। रेडमी लिखा हुआ है और फोकस हो जा, डिजाइन बाय Xiaomi ऐसा लिखा हुआ है। बहुत मस्त मतलब मैट फिनिश में आपको एक केस मिलता है, तो ये मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। हर बार की जरा वो घटिया सा TPU केस इन्होंने नहीं दिया, जो कि बहुत अच्छी बात है, और ये काम इन्होंने किया तो बहुत अच्छा किया है। यहाँ पे कुछ लीफलेट्स हैं जिनको हम ना यूज करते हैं कभी ना कभी पढ़ते हैं, तो इन चीजों को मैं रख देता हूँ साइड में। और इसके अंदर बाकी और कुछ भी नहीं है, सिम ट्रे हो सकती है, हाँ बिल्कुल सिम ट्रे यहाँ पर दी गई है आपको, तो इसको भी रख देते हैं। सॉरी, सिम इजेक्टर पिन आपको वहां दी गई है। सो गाइज अब ये डिवाइस की बात करते हैं, यहाँ पर ये डिवाइस इस तरीके से निकल करके आ जाता है और काफी कॉम्पैक्ट सा लग रहा है हाथ में पकड़ने में। इसको बाद में पील ऑफ करूंगा मैं और साइड में रखते हैं फिलहाल तो। और यहाँ पर बॉक्स कंटेंट ज्यादा कुछ है नहीं, एक आपको 18 वॉट का फास्ट चार्जर मिलता है क्वालकॉम क्विक चार्ज 3.0 की रेटिंग के साथ में, और फास्ट चार्जर जो सोनिक वाला था वो इन्होंने दिया नहीं, बोला अलग से परचेस कर लेना, 1000 रुपए का वो भी परचेस करो अब आप चलो। ये टाइप सी केबल है तो अच्छी बात है, टाइप सी यहाँ पर फास्ट चार्जिंग के साथ में टाइप सी दे रखी है। बॉक्स की क्वालिटी इस बार काफी अच्छी है, मैंने इस तरीके का बॉक्स अनबॉक्स नहीं किया, मे बी पोको का बॉक्स शायद थोड़ा सा अच्छा था बट मैंने कभी ऐसा अनबॉक्स नहीं किया, सो मेरे लिए अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस थोड़ा सा ज्यादा बेहतर है बिकॉज भैया मैं फर्स्ट टाइम किसी प्रीमियम डिवाइस को अनबॉक्स कर रहा हूँ। सो ये है डिवाइस गाइज, और इसको पील ऑफ करना है कहाँ कहाँ। सो
सो गाइस ये है डिवाइस, क्या फ्यूचरिस्टिक डिजाइन बनाया है यार इसका, इतना ज्यादा लाइट वेट है, स्लिम है, मतलब टोटल प्रीमियम एक्सपीरियंस। मैंने भाई वन प्लस के 5 और वन प्लस 6 जो देखे हैं उनको कैसे भी ये पीछे छोड़ सकता है भाई अपने डिजाइन के मामले में। और मेरे को लग रहा था कि ब्लैक कलर उतना बढ़िया होगा नहीं, क्योंकि रेड और ब्लू मेरे को मिल नहीं पाया, मैं वो परचेज करने वाला था, बट यहाँ पर यार मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। तो भाई ये बहुत ही प्रीमियम डिवाइस है, और जैसा कि आपको फ्यूचरिस्टिक डिजाइन की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको कोई भी बेजल नहीं मिलता, सॉरी कोई भी नॉच नहीं मिलता, ऊपर में आपको कोई भी चीज नहीं मिलती, फुल टू डिस्प्ले आपको मिलती है। बात करते हैं दोस्तों डिवाइस की, तो यहाँ पर आपको काफी इंटरेस्टिंग चीजें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। बॉटम की सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा, तो बॉटम में आपको गाइज एक स्पीकर मिल जाता है और एक टाइप सी पोर्ट मिल जाता है और सिम ट्रे मिल जाती है जो कि आप सिम इजेक्टर पिन से निकाल सकते हो। साइड में आपको एक बहुत ही अच्छा रेड कलर का पावर बटन मिलता है और वॉल्यूम रॉकर्स मिलते हैं। ऊपर आपको ये कैमरा और ये हेडफोन जैक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एक प्रीमियम डिवाइस के लिए। और यहाँ पर बैक में ट्रिपल कैमरा सेटअप, ऊपर 48 मेगापिक्सल, बीच में शायद 13 और नीचे 8 मेगापिक्सल का कैमरा है, फ्लैश आपको नीचे देखने को मिल जाता है, काफी इंटरेस्टिंग है। मैं इसको निकालना चाहूंगा बट इसको बाद में निकालते हैं, चलो फिलहाल से इस डिवाइस को फर्स्ट बूट देते हैं, देखते हैं क्या एक्सपीरियंस रहता है गाइस। फोन फाइनली स्टार्ट कर लिया है मैंने, मी यूआई का जो है प्रोसेस बहुत ही लंबा होता है, लेकिन यहाँ पर फाइनली हमने कर लिया इसको स्टार्ट। और यार मेरे को ना मैं क्या बोलूँ, प्रीमियम एक्सपीरियंस लग रहा है। ये देखो ना आप, कवर लगा दिया मैंने इसको तो कितना कूल लगता है देखने में। बैक में ये जो टेक्सचर है रेडमी का लोगो वो और भी ज्यादा आउटस्टैंडिंग लगता है। और ये जो आपको रेड कलर का रिम मिलता है कैमरा के साइड साइड में, ये बहुत ही ज्यादा लाइटनिंग है और मतलब मजा आ जाता है इसको देख के। ये पर्पल कलर, पिंक कलर और रेड कलर में जो है शाइन करता है अलग अलग एंगल से लाइट पड़ने पर, तो वो काफी इंटरेस्टिंग बनाता है इसको। ब्लू और रेड वेरिएंट में आपको अलग शाइनिंग मिलती थी, तो यहाँ पर देख सकते हो ये डिस्प्ले जो है एमोलेड डिस्प्ले है, सो ये हमेशा वेकअप रहती है। खुल गया, इसकी बात काफी ज्यादा हो रही थी तो ये खुल गया, देखो काफी मतलब उतना स्लो भी नहीं है और काफी अच्छा काम करता है। जैसा कि हमने बताया था कि ऑन स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर थोड़ा सा स्लो हुआ करते हैं, बट ये नहीं है स्लो, ये काफी बढ़िया काम कर रहा है यहाँ पर, और मुझे इसको लेके बहुत सेटिस्फेक्शन है, मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ इसको लेके। अब बाकी की चीजों की बात कर लेते हैं जो कि इसका की फीचर है भैया, तो यहाँ पर कैमरे को कर लो अलाउ अलाउ अलाउ, सब कुछ अलाउ कर दो यहाँ पर फटाफट, क्योंकि भैया हमने तो वही देखना है। ओके ओके अल्ट्रा वाइड, तो ये जो शॉट है ये अल्ट्रा वाइड शॉट आएगा। मैं करता हूँ फ्रंट कैमरा पे, बूम। सो गाइस क्या सेल्फी ले रहा है यार ये, मतलब एक्सपोजर वगैरह थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा दे रहा है, लेकिन जो भी ले रहा है ना एकदम मजेदार चीज ले रहा है और मेरे को काफी मजा आ रहा है इसको देख के। एक्चुअल में ये जो इसका पॉपअप सेल्फी कैमरा है ना, ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है बिकॉज इसमें जलती है रेड कलर की लाइट, जिससे कि और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। देखो मैं डाउन करता हूँ, तो ब्लैक और रेड का जो कॉम्बिनेशन है वो एकदम किलर कॉम्बिनेशन है, और आप देख सकते हो ऊपर से भी जो ये लाइट इस तरीके से दिखती है। तो मेरे को नहीं लगता ब्लैक वेरिएंट की किसी ने अनबॉक्सिंग करी है, रेड और ब्लू ही सब लोग कर रहे होंगे, तो जितने भी अनबॉक्सिंग आपको मिले इसमें ये कुछ ज्यादा स्पेशल रहेगी भैया, ब्लैक वेरिएंट थोड़ा ज्यादा कूल लग रहा है मेरे को उन दोनों से। तो देख लेना आप, खुद कंपेयर कर लेना, आपको बाकी की अनबॉक्सिंग्स मिल जाएंगी अलग अलग चैनल पे। बट यहाँ पर एक सेल्फी कैप्चर कर लेते हैं, तो सेल्फी प्रोसेसिंग में काफी ज्यादा टाइम नहीं ले रही एज यूजुअल पुराने जो डिवाइसेस थे, बट ये कलर थोड़ा सा ना पंची आ रहा है, मतलब लग रहा है कि हाँ भैया आर्टिफिशियल कलर्स हैं। यहाँ पर देख सकते हो मेरे होंठ जो है ज्यादा ही लाल कर दिए इसे, इन्हें लगता है कि भैया कुछ लगा रखा है, बट ऐसा कुछ है नहीं, ये काफी नॉर्मल से होंठ हैं, तो वो सारी चीजें हैं जो कि हैं। और इसको हम स्पीड देखते हैं इसकी क्या स्पीड है, पुम 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 पुम,
तो इसका जो कैमरा है ना, इसका ड्रॉप प्रोटेक्शन बताया गया। मैं भी ड्रॉप करूं क्या भैया? मेरी इच्छा नहीं हो रही है, अभी नया नया फोन है, गाड़ी मेहनत की कमाई लगाई है, सो ड्रॉप करने की इच्छा नहीं हो रही। बट यहाँ पर मेरे को कैमरा से काफी ज्यादा सेटिस्फेक्शन है। और ये 48 मेगापिक्सल का कैमरा है ना, तो ये डिटेलिंग्स आप देख सकते हो, ये डिटेलिंग्स कितनी छोटी है। मैं यहाँ पर रखता हूँ और फोटो खींचता हूँ, ठीक है ना। लाइटिंग एज यूजुअल, जैसा कि आप देख रहे हो। प्रोसेसिंग टाइम इसमें भी है, करीब 2 से 2.5 सेकंड लगा प्रोसेसिंग में। और जी नहीं, ये 48 मेगापिक्सल फ्लॉप है भाई, ये नहीं ले पा रहा है, मतलब डिटेलिंग्स उसकी नहीं आ रही है। तो आप देख सकते हो कि नहीं बता पा रहा है कि क्या है। एक बार और मैं थोड़ा डिटेल से लेने की कोशिश करता हूँ इसको, तो शायद ये कुछ कर पाए यहाँ पर। फोर्टी एट मेगा पिक्सल का कैमरा उतना मजेदार है नहीं भाई, ये छोटी छोटी जो डिटेलिंग है ना वो आ जानी चाहिए, क्योंकि मैं अगर यहीं पे पास में लाता हूँ तो ये डिटेल आ जाएंगी, इस तरीके से देख सकते हो। तो ये डिटेल्स आनी चाहिए थी और ये नहीं आई है, सो इट मस्ट नीड अ कैमरा ऑप्टिमाइजेशन। बाकी की सारी चीजें जो है हम आपको दिखाएंगे अलग अलग वीडियोज में। गेमिंग रिव्यू करूंगा इसका मैं, और भी बहुत सारे रिव्यूज करूंगा, कैमरा का एक डेडिकेटेड वीडियो बनेगा। बट फिलहाल ये अनबॉक्सिंग वीडियो था, और उम्मीद है गाइस कि मुझे आपको बहुत पसंद आया होगा। ब्लैक वेरिएंट में ज्यादा किसी ने अनबॉक्स किया नहीं है इसको, तो आप इसको वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि डिवाइस डिजर्व करता है इस चीज को। सेटिंग्स में ले चलता हूं मैं आपको और दिखाता हूं कि भैया हार्डवेयर क्या क्या है। वैसे तो एक अपडेट अवेलेबल है, मैं देख लूं क्या है अपडेट। काफी सारी चीजें हैं, हम करेंगे इसको अपडेट बाद में करेंगे। बट यहाँ पर मैं अबाउट फोन में था ना, तो देख सकते हो आप कि ऑक्टा कोर 2.84 गीगाहर्ट्ज का जो है सीपीयू हमारा है यहाँ पर, और 6 GB की रैम है। इंटरनल स्टोरेज 128 GB है, जो कि मैं 115 GB जो है वो अवेलेबल है। तो ये काफी मजेदार चीज है यहाँ पर। और भाई मतलब अभी तो नया नया फोन है, काफी कुछ इसके बारे में जानना है, एक्सपीरियंस करेंगे, फिर आपके साथ डिटेल शेयर करेंगे कि भैया कैसा लगा मेरा इसके साथ एक्सपीरियंस। और यही था वीडियो में, उम्मीद है पसंद आया होगा। सो गाइस ये था अनबॉक्सिंग, उम्मीद है कि आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। यहाँ पर ब्लैक कलर को लोगों ने बहुत ही ज्यादा अंडरएस्टिमेट कर दिया, क्योंकि फ्लेम रेड और जो आइस ब्लू वाला वेरिएंट था ना, वो काफी लोगों ने हाइप ऐसी मचा दी कि वो सबसे कमाल का है। और यहाँ पर कार्बन ब्लैक को किसी ने गौर ही नहीं किया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यार इसका जो ब्लैक केस मिलता है, उसके बाद जब आप इस डिवाइस को देखते हो ना, तो क्या ओपी लगता है देखने में यार, देख लो। और इसका साइज वगैरह मैं आपको बता दूं, इतना कॉम्पैक्ट साइज है, मैं पहली बार ऐसा कोई प्रीमियम स्मार्टफोन यूज कर रहा हूं जिसका साइज वगैरह इतना कॉम्पैक्ट हो और हाथ में एकदम प्रीमियम वाली फील दे। चाहे आप बिना केस के यूज करो, चाहे केस के यूज करो, ये आपको बहुत ही इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस दे सकता है डिवाइस, क्योंकि मेरे को काफी मजेदार लगा एक दिन के पिछले यूजेज में। और यहाँ पर दोस्तों इसकी अब थोड़ी प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। कंपनी ने लॉन्च किया शाओमी ने 28,000 यानी 27,399 में 6 128 GB वाला वेरिएंट, और यहाँ पर 8 GB 256 GB वाला वेरिएंट 31,000 का लॉन्च हुआ था। अब दोस्तों यहाँ पर जो अल्फा कस्टमर्स थे, जिन्होंने पहले से ₹855 टोकन अमाउंट रजिस्टर कर दिया था कि भैया मेरे को ये डिवाइस चाहिए, उन लोगों के लिए यहाँ पर ₹2,000 का डिस्काउंट था। लेकिन डिस्काउंट ऐसा जो कि सब लोग अवेल ना कर सके, ICICI के क्रेडिट कार्ड पे ही डिस्काउंट था, डेबिट कार्ड पे EMI पे था, जिसमें प्राइस ऑलरेडी ₹700 बढ़ जाती है। तो यहाँ पर काफी सारा मेरे साथ सीन हुआ, मैंने अपने आईडी में अल्फा सेल में रजिस्टर किया, मैंने 8 बजे डिवाइस को कार्ट में ऐड कर लिया ब्लू वेरिएंट, उसके बाद उसको चेकआउट करने तक 1 घंटे थे मेरे पास, मैं कार्ड ढूंढता रह गया, मेरे पास 3 डेबिट कार्ड मिले थे मेरे फ्रेंड्स के, और वहां पे मैंने उनको लगाया तो किसी पे भी EMI अवेलेबल नहीं थी, और उसके बाद फिर क्रेडिट कार्ड नहीं मिला। मैंने उस फोन को ब्लू वेरिएंट को जो है यहाँ पर COD पे ऑर्डर कर दिया, जो कि 28,000 का पड़ रहा था मुझे, अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मैंने COD पे ऑर्डर कर दिया। उसके बाद गाइस दोस्तों पता लगता है मुझे रजत भाई की तरफ से, और यहाँ पर बोलते हैं वो कि भाई मेरे पास क्रेडिट कार्ड है और मैं आपको सुबह तक अरेंज करवा दूंगा। तो मैंने कहा कि भैया इसको करते हैं कैंसिल और सुबह जो है ऑर्डर कर लेंगे, क्योंकि स्टॉक में था फोन, इतने जल्दी बिके नहीं, रेडमी K20 तो बिके ही नहीं, K20 प्रो था स्टॉक में सुबह भी। तो सुबह यहाँ पर क्रेडिट कार्ड मेरे को मिला, और सुबह जो वेरिएंट बचा था वो खाली ब्लैक बचा था। मैं बड़ा पछता रहा था कि यार ब्लू वेरिएंट मेरे को चाहिए था, ब्लैक मिल रहा है। लेकिन भाई जब ये हाथ में आया ना, तो बड़ा ही मजा आया, क्योंकि इसका फील अलग ही है। ब्लैक कलर का लुक अपना एक स्पेशल लुक है भाई, इससे बेस्ट कोई नहीं है। तो ब्लैक कलर बेस्ट है मेरे अकॉर्डिंग, तो मैं तो आप सभी को सजेस्ट करूंगा ब्लैक लेना। बाकी ब्लू और रेड की हाइप ज्यादा है, तो वो भी परचेस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ICICI के कार्ड में मेरे को 2000 का डिस्काउंट मिला, और यहाँ पर 26999 का डिवाइस मेरे को पड़ गया। ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है। 2 आदमियों को क्रेडिट देना चाहूंगा यहाँ पर मैं, रजत भाई हमारे, और यहाँ पर राज भाई, राज राणा नाम है, तो उनकी मदद से ही मैंने डिवाइस ऑर्डर किया। राज भाई का अकाउंट था, रजत भाई का कार्ड था, बस मुद्रा मेरी थी। तो जो भी है,
फाइनली डिवाइस आ चुका है और काफी सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस में लेके आने वाला हूँ आपको इसी डिवाइस से रिलेटेड। या फिर आपके कोई डाउट्स हो, कोई क्वेश्चंस हो इसके रिलेटेड तो बताना मुझे जरूर नीचे कमेंट्स में, मैं उनको क्लियर करूंगा। और कोई वीडियो आप चाहते हो इसके रिलेटेड तो वो भी बताना, मैं आपको लेके आऊंगा। इंडियन रिटेल यूनिट की अनबॉक्सिंग अलग होती है, बाकी चाइनीज वेरियंट की अनबॉक्सिंग अलग होती है। मुझे नहीं लगता अभी बहुत सारे क्रिएटर्स ने ये पीस परचेज करके फिर अनबॉक्स किया होगा, तो यहाँ पे आपको पेड रिव्यू नहीं मिलता बिल्कुल भी, एकदम जेन्युइन हम चीज बताएंगे जो कि हमें देखने को मिलता है। सो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आपको इसी तरीके की क्वालिटी वीडियोस मिलते रहते हैं। फिलहाल वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक, नहीं पसंद आया डिसलाइक प्लस रीजन कमेंट बॉक्स में डाल देना। चलिए था वीडियो, मिलता हूं आपसे अगले डोमिनेशन प्रेजेंटेशन के साथ, तब तक के लिए आप खुश रहें, सलामत रहें, मुस्कुराते यूट्यूब पर इसी तरह बने रहें।